हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल में जो 3 फरवरी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आप घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई लगातार करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एग्ज़ाम होने ही है वैसे भी। और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। अभी हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आगे चल के बहुत वैसे भी बहुत कीमत है टाइम की। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो वेबर इसकी इकाई है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया। और संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में ऐड किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज व्यवस्था के लिए बनाई गई। इससे रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति किससे रिलेटेड है ये पूछ लेते हैं। तो पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई सिंगों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एशियाई लायंस के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा क्या है? तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 जो कि धोने का सोडे का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो ये असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में ही, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा राइनोस पाए जाते हैं। और एक होता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा तो सिक्किम है, लेकिन कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में एक सिंह वाला गैंडे के लिए फेमस है ये असम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, काचीपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है काचीपुड़ी लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थायरॉयड हार्मोन के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो लेवोथायरोक्सिन का उपयोग किया जाता है थायरॉयड हार्मोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो ये फोटोस्फेयर सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक समझौता होता जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी ने INC का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी, वो था 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि एकमात्र था जो कि महात्मा गांधी ने अटेंड किया था और उसकी अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस जो ओजोन परत की को क्षति पहुंचा सकती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में उत्तरदायी है जिसके कारण ओजोन परत की क्षति हो रही है। और ओजोन परत दिवस मतलब ओजोन संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और लीवर जो होता है लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये डॉलगॉफ ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 में करनाल लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो ये करनाल की लड़ाई में नादिर शाह मुगल सेना को बुरी तरह से हरा दिया और इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? जो प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट्स की कोशिका भित्ति। और जो जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है कोशिका को आकृति प्रदान करना, मतलब जो सेल होती है उसको शेप प्रोवाइड करती है ये। और जो कोशिका भित्ति ये प्लांट्स में पाई जाती है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जैसे जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी इसे डाइजेस्ट कर पाती, क्योंकि कुछ जो एनिमल होते हैं वो पेड़ पत्ते खा लेते हैं तो उनकी बॉडी इजिली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सेल्यूलोज ये मतलब कि वो सब्जियों में पाया जाता है ज़्यादातर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो आगरे का किला अकबर के द्वारा बनाया गया। और एक चीज़ और, आगरे का मतलब अकबर ने ही वो बुलंद दरवाजा
गुजरात डे के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, पूछता है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो किया गया अकबर के द्वारा किया गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर व्यू टू लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।